हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके टेक्निकल खड़का हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपके लिए नया गेम लेके आया हूँ। तो आप इन देख नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे जस्टिक लेग्यू। ये बहुत ही अच्छा गेम है और हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको ऐसे ही मजेदार गेमों के बारे में बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छा गेम है और ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको आसानी से प्ले हो जाएगा। थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज में है। यह गेम इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये इंडिया में लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लगाएगा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में थोड़ी देर में लॉन्च होता है कोई भी गेम। तो मैं बता दूँ, ये गेम के ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी उम्दा ग्राफिक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं प्ले कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको दोस्तों ये बता दूँ कि ये ऑनलाइन गेम है, तो इसके लिए आपका नेट ऑन होना पड़ेगा ही, तभी आप इस गेम का लुत्फ उठा पाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल देख रहे होंगे दोस्तों आप जिस तरह से ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लगा रहा है। देखिए लोडिंग में, लोडिंग लेने के बाद काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक है इसके। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये गेम सिर्फ अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये मैंने किसी तरह से डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए स्पेशली ये गेम मैंने चलाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक है इसके। और ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्राफिक है इसके। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गेम आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, और आसानी से डाउनलोड करके आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। जेट अचीवर आता है, उसे एक बार आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये गेम आसानी से प्ले हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये गेम चल रहा है। देखिए बहुत ही स्मूथली चल रहा है। आपका अगर 1 GB का रैम का मोबाइल भी है तो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 GB रैम या 6 GB रैम का मोबाइल चाहिए और उस पर ही ये गेम अच्छा चलेगा। ठीक दोस्तों, ये गेम बहुत ही अच्छा चलेगा आपके मोबाइल में। देखिए आप देख रहे हो ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं इसके, बहुत ही उम्दा ग्राफिक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये देखिए मैं आपको खेल के दिखा रहा हूँ। ये देख रहे होंगे आप मैं किस तरह से गेम का आनंद लेते हुए खेल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही आपको इसमें प्लेयर भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर मिलेंगे। जो जितने भी सुपर हीरो हैं, हीरो हैं, आपको सब इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि सुपरमैन, वंडर वूमेन, स्पाइडरमैन, फ्लैश, ये सब प्लेयर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी देख रहे होंगे आप कि मैं बैटमैन से खेल रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो इसमें सारी लैंग्वेज आपको चाइना में दिखाया दे रहा होगा। तो ये अभी सिर्फ चाइना में ही लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। देखिए आप देखो, पूरे करेक्टर्स आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें ऑल करेक्टर मिक्स है और आप इसका एंजॉय भरपूर ले सकते हैं।
देखा दोस्तों आपको मैं ये गेम बड़ी आसानी से खेलते लगा रहा, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, ये बहुत ही अच्छे ग्राफिक है इसके और आपके फ़ोन में बहुत ही स्मूथली चलेगा दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही स्मूथली चलेगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए और ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे गेमों के बारे में बताता रहूँगा कि कौन सा गेम लॉन्च हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छे ग्राफिक है इसके, मैं आपको इसकी लिंक पे ले जाते हुए दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर जाना है और ऐसे ही आपको लोगो नज़र आएगा, तो आपको ऊपर ऊपर करना है और ऊपर करना है और ऊपर करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको नीचे लिंक दिखा रहा होगा डाउनलोड लिंक, तो आपको यहाँ पर जाके डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर रखे आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो दोस्तों आपको जब ये लिंक ओपन हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ ऊपर जाना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट होता है मीडिया फायर, तो मीडिया फायर में जाके आप मीडिया फायर पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों देखो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये आप कैंसिल कर दीजिए और फिर एक बार फिर बैक जाइए, फिर मीडिया फायर में दोबारा क्लिक कीजिए, तो आपको फिर ये ओपन हो जाएगा। फिर आप क्रोम में ही ओपन करिए, अब देखिए क्रोम ओपन हो जाने के बाद ये आपके पास आ गया। तो ये दोस्तों मैंने तो पहले से ही डाउनलोड किया है, बस आपको इसको डाउनलोड करने के बाद जेट अचीवर से एक्सट्रैक्ट कर देना है और ये आसानी से ये गेम आपके उसमें चल जाएगा। फिर सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक ही बार, और आप वो गूगल यूट्यूब में देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाकी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। एक ही बार एक्सट्रैक्ट करना है आपको जेट अचीवर से, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो गूगल प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने जेट अचीवर ऐप खोलने के बाद तो मैं यहाँ पर चले जाऊँगा सीधा डाउनलोड लिंक पे, जहाँ मेरा मैंने वो जस्टिस लीग गेम डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्टिस लीग 422 MB का मतलब दिखा रहा है ये, तो इसको मेरे को एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट हियर, तो मुझे यहीं पर एक्सट्रैक्ट हियर करना है इसको, तो उसके बाद ये गेम ऑटोमेटिकली आपके उसमें इंस्टॉल होगा। मैंने तो ये एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है इसे और ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों एक्सट्रैक्ट 100% होने के बाद ये आपको इंस्टॉल दिखा देगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ही ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल दिखाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आसानी से। तो जब से ही आप ये गेम की फाइल डाउनलोड कर लोगे तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आराम से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी ऐसे ही आपको गेमों के बारे में बताता रहूँगा।